कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं कराया गया पानी से भरी गलियों में साफ सफाई व गली बनाने का कार्य। मैनपुरी के सिविल लाइन क्षेत्र के गोला बाजार त्राहे का है ये पूरा मामला, जहां पर वहां के निवासियों में रोष है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बताया है कि कई बार नगर पालिका मैनपुरी को शिकायत दी गई है व कई बार कहा भी गया है, लेकिन अभी तक गली में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है और न ही साफ सफाई की गई है। मौके पर देखा गया तो गली में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जिससे इस डेंगू जैसी घातक बीमारी का खतरा लोगों में बना हुआ है। जिन्होंने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए कहा है कि इस कीचड़ भरे पानी से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी कभी तो कीचड़ भरे पानी में गिर भी पड़ते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। परेशानियाँ है, पानी बहुत भरे है, बहुत मच्छर लगते हैं, बहुत परेशानियाँ है, इसलिए हमें बीमारी है, बीमारी बहुत फैली है, अपने बच्चे ने सोचा चाह रही है। अच्छा, जैसे कि मान लो अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद ये डेंगू आ गया है, तो इस तरीके से आप लोगों को पानी से होके गुजरना पड़ता है, कीचड़ से होके गुजरना पड़ता है, तो सफाई साफ सफाई या गली बनवाने के लिए कभी अधिकारियों से कहा गया कहा है? कब, कितने दिन पहले, कितने समय पहले? मुझे कब, हमने साल भर भई आ रही है, कभी तो गए हैं कि कोई सुनाई नहीं भई है। हमारी गली में पानी भरा रहता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें जाने आने की दिक्कत होती है, हम भी ड्यूटी करने जाते हैं तो उसमें भी परेशानी होती है, और रात बिरात मतलब हमारे हर तरीके से मतलब यहाँ छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते हैं, उनको कहीं मच्छर खा लें या डेंगू बन जाए, डेंगू की परेशानी चलती रहती है, बीमारी चली ही रही है। अच्छा, नहीं तो इस संबंध में कभी अधिकारियों से या कर्मचारी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी मतलब गली अच्छी से बन जाए, पक्की, और सब लोगों के लिए सुविधा हो जाए। गली में साफ सफाई नहीं है, पानी भरा रहता है, कीचड़ है, और हम लोगों को डेंगू का भी खतरा है, और डेंगू इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किस इस संबंध में कभी अधिकारियों से या सभासद से कहा गया है? कहा है, कई बार कहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं? नहीं, प्रकोप डेंगू का तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब मरीज निकल रहे लगातार हमारे आसपास के गांव में, और सभी लोग हम परेशान हैं, और इसमें तो यही है कि कोरोना से तो हम भयभीत हैं, इसलिए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सफाई आ जाए, तो इसे कोरोना से और के साथ साथ डेंगू से सेफ्टी बहुत जरूरी है, कोरोना से ही भयंकर जो डेंगू का अभी प्रकोप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो पानी से होकर गुजरना पड़ता है, कीचड़ से होकर। हाँ, और हम लोग इसको रास्ता नहीं, कई बार तो हमारे बच्चे अच्छे इसमें गिर भी गए हैं, छोटे छोटे हमारे इसमें भी आई है, जैसे चोटें भी लगी हुई हैं बहुत सी, क्योंकि इसमें गिर जाते हैं, अंधेरे में बिजली होती नहीं है,